अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। और मैं एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। मैंने दराज से एलईडी लाइट्स मंगवाई थी। मुझे अपने ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर कुछ लाइट्स लगानी थी, क्योंकि मेरे ड्रेसिंग टेबल का मिरर जो है उस पर लाइट ठीक से नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से मुझे तैयार होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने ये जब लाइट्स एलईडी लाइट्स जो हैं वो दराज पे देखी, जो कि वैनिटी लाइट्स भी कहलाई जाती हैं, तो मैंने ये वैनिटी लाइट्स जो हैं ये फ़ौरन ऑर्डर कर ली। और ये मुझे 1400 में तकरीबन पड़ी हैं। दराज से मुझे ये वैनिटी लाइट्स जो हैं वो 1400 में मिली हैं। और इनमें तीन किस्म की जो लाइट्स हैं वो आ जाती हैं, मतलब इसमें वार्म इफ़ेक्ट भी है, कूल इफ़ेक्ट भी है, और जो नॉर्मल लाइट्स होती हैं वो भी हैं। ये तकरीबन 12 लाइट्स हैं, और इनके साथ इनके जो प्लास्टिक के होल्डर्स हैं वो भी मौजूद हैं, जो कि आराम से मिरर पे चिपक जाते हैं। और इसके अलावा डबल साइड स्टिकी टेप भी इनके साथ आई है, जिसके साथ आराम से ये शीशे पर चिपक जाती है। वो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है कि हम क्या चाहते हैं और किस तरीके से इसको अपनी मिरर पर लगा सकते हैं। इस एडहेसिव डबल साइडेड टेप की मदद से ये लाइट्स हमेशा लगी रहेंगी, उतरेंगी नहीं, इसका ये फ़ायदा है। तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। जिस तरह यूएसबी का प्लग होता है, ये उसी तरह का इसके साथ भी प्लग है। और ये आराम से मोबाइल के चार्जर का जो प्लग होता है उसके साथ आराम से कनेक्ट हो गया है। और इसके बाद मैं इसको चेक करूँगी कि क्या ये ठीक तरीके से काम करती हैं। असल में मैं वीडियो बना भी इसी वजह से रही थी कि अगर ये ठीक ना आए तो मैं इनको अगर रिटर्न करूं तो मेरे पास पूरा प्रूफ हो। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो घर में लाइट जल रही थी मैंने उनको ऑफ़ कर दिया, और यहाँ पर मैं स्विच के ज़रिए इन लाइट्स को मैं चेक करूं। ये अब वार्म इफ़ेक्ट आ गया है, कूल इफ़ेक्ट आया है, और नॉर्मल इफ़ेक्ट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैंने इसको मिरर पे लगाया है तो ये कैसे लगे। तो ये आपको नज़र आ सकते हैं, मैं दूर से आपको दिखा रही हूँ कि ये तमाम लाइट्स जो हैं ये मिरर पे लग गई हैं, और बहुत अच्छी लग रही थी मिरर पर लगने के बाद भी। तो ये आप देखें, ये इसकी वायरिंग है। और अभी मैं एक लाइट उखाड़ के, हल्का सा उखाड़ के मैं आपको दिखाऊँगी कि इसके पीछे ये इस तरह का सेल्फ एडहेसिव प्लास्टिक लगा हुआ है, जो कि खुद ही लग भी जाता है और आप उसको आसानी से उतार भी सकते हैं, चिपका भी सकते हैं। यानी कि अगर आपको अगर कभी ज़रूरत पड़े शीशे की सफाई करनी हो और उस वक्त आप चाहें कि आप इस लाइट को हटा लें तो फिर आप इसको हटा भी सकती हैं, और अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहती हैं तो आप इसको दोबारा से कनेक्ट भी कर सकती हैं। तो ये इस तरीके से वायरिंग के साथ गई हैं। और ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर इसका प्लग कौन सा है। ये वही मोबाइल वाला चार्जर का प्लग है, और इसके साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। और इसको इस तरीके से ऑन ऑफ़ करना भी बहुत आसान है, इंस्टॉल करना भी आसान है, और इसको इस्तेमाल करने के बाद अगर इसको हटाना चाहें तो वो भी बहुत आसान है। ये इसका अपना स्विच है, ये इसका कंट्रोलर या स्विच आप कह दें, कंट्रोलर ही समझिए। इसके ऊपर तीन किस्म की लाइट्स हैं, मतलब आप इन लाइट्स का रंग भी चेंज कर सकते हैं, इन लाइट्स को आप डिम भी कर सकते हैं और तेज़ भी कर सकते हैं, और ऑन ऑफ का बटन भी इसी में ही है। तो आप देखिए, मैंने इसको ऑन कर दिया है, ये ऑन हो गया है। बस बेसिकली जब मैंने जैसे ही स्विच लगाया तो इसके ऊपर एक ब्लू कलर की लाइट ऑन हो गई, जिसका मतलब था कि अब वायरिंग कनेक्ट हो गई है। और इसको जब मैंने ऑन ऑफ के बटन को प्रेस किया तो ये तमाम लाइट्स ऑन हो गई हैं। और इसमें डिम और तेज़ करने का बटन भी है, तो अब ये देखें तमाम लाइटें जो हैं वो बिल्कुल डिम हो गई हैं। जो कूल लाइट मैंने लगाई थी, जो कोल्ड इफ़ेक्ट वो दे रहा था, तो मैंने उस पर इसको डिम भी कर दिया, और अब ये दोबारा तेज़ भी हो गई हैं। तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है मेकअप करने के दौरान या वैसे जिस वक्त आपको चाहिए होती है, तो ये आराम से आप अपने अकॉर्डिंग इसको तेज़ और कम कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई है इसकी। तो ये आप देखें, मैंने अब इसका कलर चेंज कर दिया है। पहले मैंने वार्म इफ़ेक्ट वाली लाइट ऑन की, और उसके बाद कोल्ड इफ़ेक्ट वाली। वार्म इफ़ेक्ट पे भी इसी तरीके से लाइट्स जो हैं वो तेज़ और हल्की हो सकती हैं, और कोल्ड इफ़ेक्ट पर भी और नॉर्मल लाइट पर भी इसी तरीके से ये तेज़ और हल्की हो सकती हैं। तो ये प्रोफेशनल यूज़ के लिए जिनको चाहिए होता है, जिस तरह पार्लर वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है, और घर के इस्तेमाल के लिए भी ये बेस्ट है। मुझे तो बहुत पसंद आई है। ये इसका वही डिब्बा है, वही पैकेज है जिसमें ये आई थी, और ये इसमें वैनिटी लाइट मिरर के नाम से आपको नज़र भी आ रही होंगी ये लाइट्स।
और ये आप देखिए हैं ही, यानी कि मेकअप वगैरह के लिए इस्तेमाल होने वाली लाइट्स हैं। छोटा सा प्यारा सा डिब्बा है इसका, और ये इसके साथ एडहेसिव टेप आई थी। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है, मेरा रिव्यू इसके लिए बहुत अच्छा है, और मैं इसको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर इसको ख़रीदें और मेरे साथ भी फिर अपने तासरात शेयर करें कि आपको ये कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।